तो चलिए आपका एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं इस क्वेश्चन में हमने टिन और क्रोमियम के रिडॉक्स कपल्स को यूज करके एक गैल्वेनिक सेल बनाया है और हमें उस गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल बताना है इस गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड स्टेट में है यानी 298 नाइनटी पर और सॉल्यूशन में आयंस के कंसेंट्रेशन वन मोलर है तो वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और दो मिनट का समय लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए तो चलिए देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस में हमें एस एन फोर प्लस से एस एन टू प्लस के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.15 वोल्ट और क्रोमियम 3+ प्लस से क्रोमियम के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू माइनस जीरो पॉइंट सेवन फोर वोल्ट गिवेन है और हम यह जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू होती है नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड के लेकिन हमें क्वेश्चन में यह गिवन नहीं है कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा या फिर कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा इसे पता करने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प लेंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के हिसाब से वह इलेक्ट्रोड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वह ज़्यादा रिएक्टिव होता है और एनोड की तरह एक्ट करता है वहीं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वह लेस रिएक्टिव होता है और कैथोड की तरह एक्ट करता है तो यहाँ पर क्रोमियम कपल एनोड की तरह एक्ट करेगा और एस एन फोर टू एस एन टू प्लस कपल कैथोड की तरह एक्ट करेगा इस केस में नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी ए नॉट ऑफ क्रोमियम माइनस ए नॉट ऑफ एस एन फोर प्लस टू एस एन टू प्लस और वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करें तो हमें ई नॉट सेल की वैल्यू मिल जाती है 0.89 पॉइंट वोल्ट्स चलिए हमने इस टॉपिक में जो भी पढ़ा है उसे समराइज़ कर लेते हैं हमने पढ़ा है कि गैलवेनिक सेल किसी भी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वहीं इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराता है और हमने यह भी पढ़ा है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में डेवलप होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है आई यू के हिसाब से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं जिस भी मेटल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है तो वहीं जिसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है यानी गैल्वेनिक सेल में वह मेटल एनोड की तरह एक्ट करेगा और स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू कम या फिर ज़्यादा नेगेटिव होती है तो वह मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल होता है किसी भी गैल्वेनिक सेल का गिव फ्री एनर्जी चेंज या फिर सेल द्वारा किए जाने वाले मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क की वैल्यू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल के इक्वल होती है इन सारे कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से अब आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं